प्रशासन ने कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस बार बिना आधार कार्ड के कोई भी छात्र बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 के लिए फर्जी तरीके से दूसरे छात्रों की परीक्षा देने वाले मुन्ना भाइयों की धरपकड़ के लिए प्रशासन ने खास कदम उठा लिया है। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश पत्र के साथ अपना आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। बिना आधार कार्ड के परीक्षा में बैठना मुश्किल होगा। वहीं बाहरी छात्रों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्र पर बतौर कक्ष निरीक्षक में ड्यूटी देने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। DIOS सर्वेश कुमार ने बताया कि पिछली परीक्षाओं में कई केंद्रों पर ज्यादा उम्र के परीक्षार्थियों के पत्रों की जांच शक के आधार पर कराई गई थी। वहीं परीक्षकों और कक्ष निरीक्षकों को भी परीक्षा केंद्र पर उनका आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाएगा। इस बार की बोर्ड परीक्षा में निरीक्षण कराई टीम के मांगने पर आधार कार्ड और अन्य प्रपत्र दिखाने होंगे। ऐसे दिशा निर्देश DIOS की ओर से दिए गए हैं।